हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इस क्लास में फोर टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में 24 दिन में 60 kg यानी कि 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है, तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने किलोग्राम चावल की खपत होगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक परिवार का फैमिली है जिसमें 24 दिन में 60 kg यानी कि 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है, तो उसी परिवार में 18 दिन में कितना किलोग्राम चावल की खपत होगी। तो 24 दिन में कितना 60 kg यानी कि 60 किलोग्राम चावल खपत होती है, तो एक दिन में कितना होगी, तो एक दिन में बराबर यानी कि 60/24 हो जाएगी। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 × 60 हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगी यानी कि 10/4 हो जाएगा। इसको भी छोटा करेंगे तो 2×5 = 10 यानी 2×2 = 4, तो एक दिन का रेशियो जो आएगा सो 5/2 आएगा यानी कि एक दिन में वो कितना खर्चा करेगा, 5/2। तो 18 दिन में कितना किलोग्राम चावल की खपत होगी, तो 18 गुना करेंगे 5/2, तो 2×9 कितना होता है, 18 होता है, और 9×5 = 45, तो 45 किलोग्राम चावल की खपत होगी कितने दिन में, 18 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक परिवार में 24 दिन में क्या हो रहा है, 24 दिन में जो है वो 60 किलोग्राम चावल की खपत करती है, तो 18 दिन में उसी परिवार द्वारा कितने चावल की खपत होगी, तो कितना चावल की खपत होगी, 45 किलोग्राम चावल की खपत होगी। एक डे बराबर हो जाएगा 60/24 यानी कि एक दिन बराबर हो जाएगी 60/24, तो 18 दिन बराबर कितना होगी, तो इसी प्रकार से काटेंगे, 6 × 18 हो जाएगा और 6 × 24 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 × 60 हो जाएगा, तो 15 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु जो है सो श्याम की आयु का 3 गुना था, 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी हो जाएगी, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग फास्ट में कैसे बनाना है, यानी कि बिना पेपर और पेन के जरूरत पड़ने से पहले इसको कैसे बना लेंगे, यानी कि तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं बिना पेपर और पेन का। तो यहाँ पे देखते हैं, मानते हैं क्या बोल रहा है, श्याम की आयु जो है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए श्याम की आयु और रात से राम की आयु, तो श्याम की वर्तमान आयु 10 वर्ष मान लिए, तो 10 वर्ष मान लिए, तो राम की आयु जो है सो श्याम की आयु से 3 गुना था, तो पहले कितना था, तो यहाँ 10 यानी 3 गुना था, तो 30 होना चाहिए, 30 हो जाएगा। 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु जो है राम की आयु से आधी होती है, तो इसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु जो है यानी कि श्याम की आयु जो है राम की आयु से आधी होगी, तो 15 जो है सो 35 का आधा है, तो नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, श्याम की मान लेते हैं, श्याम और राम, श्याम की वर्तमान आयु कितना है, 5 वर्ष है, तो पहले इसका कितने, इसका 3 गुना होगा, तो 15 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, पहले कितना था, अब देखते हैं, राम की आयु जो होती है श्याम के आयु का 3 गुना था, तो श्याम के आयु जो है राम की आयु से कितना था, तो राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना था, तो 15 था। अब कहता है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष ऐड करेंगे तो इसमें से 10 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाता है। अब बोलता है, जब 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु जो है राम की आयु से अधिक है, राम से आयु से क्या है, आधी है,
तो श्याम की आयु कितना है 5 वर्ष बाद 10 है, और राम की आयु जो है 5 वर्ष के बाद कितना है 20 है। तो इसका जो राम का आयु यदि 20 है और श्याम की आयु यदि 10 है तो आधी है कि नहीं, तो आधी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो कैसे बनाना है एग्ज़ाम में, कुछ नहीं करना, किसका आयु ज्ञात करने बोल रहा है, श्याम की आयु वर्तमान आयु, तो श्याम की वर्तमान आयु मान लो कितना है 5 है ऑप्शन नंबर बी से। तो राम यहाँ पे राम कितना हो जाएगा 15 यानी 3 गुना था। अब बोलता है 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो इसमें जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें जब 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब बोलता है कि 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु जो है, श्याम की आयु जो है राम की आयु से आधी हो जाती है, यानी कि यह 20 है और यहाँ 10 है, तो इसका आधा जो आयु जो है आधी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। अगला क्वेश्चन है 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक जो इसे अपेक्षित है। बोल रहा है कि 300 पृष्ठ के एक किताब के पन्नों पर, 300 पृष्ठ जो होती है ना 3 पेज वाले, तो 300 पृष्ठों के एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितना अंक की ज़रूरत है, यानी कि कितना अंक अपेक्षित है, तो कहाँ तक जाना है 300। तो हम लोग देखते हैं 1 से 9 तक, यानी कि एक अंक वाला संख्या जो देखते हैं, तो यहाँ कितना हो गया 9 हो गया। अब देखते हैं 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 से 99 तक, यानी कि 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्या होती है। तो 10 में से 9 गया तो कितना हो गया, तो यदि 10 में से 9 गया तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 1 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे 1 से 9 तक, यानी कि 1 अंक वाली संख्या कितना 1 है, तो यहाँ गुना करेंगे 1 से तो 9 हो जाएगी। अब करेंगे 2 अंक वाली संख्या, तो 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्या होती है, 99 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 89 आ जाता है, 99 में 10 घटाएंगे तो 89 आ जाता है। लेकिन ये 10 को क्या कर चुके हैं हम लोग, घटा चुके हैं, तो इसको घटाना नहीं है, इसको लेना है, तो यहाँ पे 89 रही, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90, और 2 अंक वाली संख्या है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कहाँ तक जाना है 300 तक। अब देखते हैं 300 तक, तो 100 जो होती है 3 अंक वाली संख्या है, तो कहाँ तक जाना है 300 तक, तो 300 तक जाते हैं जब, तो यहाँ पे कितना अंक है, यानी 3 अंक वाली संख्या है, और 3 अंक वाली संख्या जब देखते हैं तो 300 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200। लेकिन इसको भी ले लेना है, किसको, इसको 100 भी है उसको भी ले लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 201, तो 201 गुना जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगी, तो 201 गुना जब 3 करेंगे तो 603 आ जाती है। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होती है, तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो 792 इसका सही आंसर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक जो है सो अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, यानी ये जो है सो एक काम को अकेले कितना दिन में पूरा करती है, 10 दिनों में पूरा करता है, जो बी अकेले 15 दिनों में करता है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो 3000 रुपये के कुल वेतन में से ए को कितना रुपया मिलेगा, इसको बनाने के लिए एलसीएम मेथड का उपयोग करते हैं, तो एलसीएम दोनों का लेंगे तो ए का क्षमता जो आएगा एक दिन का, सो एक दिन में वो कितना काम करेगा, यानी कि 6 यूनिट करेगा, और बी जो से कितना करेगा तो 4 यूनिट करता है। अब बोलता है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मिलता है तो कितना, 6 4 10, जब दोनों का रेशियो क्या होती है, दोनों का रेशियो जो होता है सो 10 के बराबर हो जाता है, 10 बराबर से कितना मिलता है, 3000 रुपया मिलता है, ठीक है। अब बोलता है वहाँ से कि ए को कितना मिलेगा, तो ए का रेशियो कितना है, यानी कि 6 है, और फिर वहाँ पे डिवाइड कितना से करेंगे, 10 से, क्योंकि क्षमता निकाल रहे हैं, जब जैसे होता है ना कि
दोनों का रेशियो निकाल, यहाँ 0 0 कट जाएगा तो 6 तिया यहाँ के 18 हो जाएगी, तो 1800 इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे कि ये जो है क्या करती है 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में। जब एलसीएम निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 का यानी कि 60। जब उसका ए का क्षमता जो होती है, एक दिन में कितना करेगी, 6 यूनिट करेगी। बी जो है एक दिन में 4 यूनिट करेगी, दोनों के बोलेंगे तो 10 हो जाएगा, और दोनों मिलकर की जो ए और पी है, जब दोनों मिलकर काम करती है तो 3000 रुपया वेतन प्राप्त करती है। तो 0 0 कट हो जाएगा, तो एक दिन का दोनों का कितना हो जाता है, तो एक दिन का दोनों का हो जाता है 300 रुपया। कितना हो जाती है, 300 रुपया। अब बोलती है कि ए का, तो ये का ये जो ऐसे अकेले कितना रुपया कमाएंगे, तो ये जो ऐसे अकेले कितना रुपया कमाएंगे, तो 6 तिया यानी कि 6 रेशियो 6 से मल्टीपल करेंगे 300 यानी कि 6 तिया 1800 कमाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।